कछुआ बिंदु पर शक करते हुए उससे पूछता है, बिंदु तुम्हें कैसे पता कि चटर्जी तारा को लेकर दैवीय झरने के पास ही गया है? ये बात तो अभी कायर ने तुम्हें बताई ही नहीं। बिंदु कछुआ से नजरें चुराते हुए कहती है, इसमें पता चलने वाली कौन सी बात है कछुआ? जाहिर सी बात है, अब हवेली के बाद एक वही झरना तो बचा हुआ है जो सुरक्षित है, जहां पर वो काला साया नहीं आ सकता है। वो जगह सुरक्षित होगी भी कैसे नहीं, आखिर वहां पर महादेव का वास जो है। कायर को भी बिंदु की बातें कुछ अजीब लगने लग जाती है और अगले ही पल वो भी उस पर शक करते हुए उससे पूछ पड़ता है, तुम्हें दैवीय झरने के बारे में कैसे पता बिंदु? बिंदु कायर पर चिढ़ते हुए कहती है, अब तुम्हें क्या हो गया कायर, ये कैसे सवाल पूछ रहे हो मुझसे? तुमने ही तो मुझे दैवीय झरने के बारे में बताया था ना। कायर उलझन में फंसते हुए कहता है, मैंने तुम्हें दैवीय झरने के बारे में बताया था, पर कब? बिंदु कायर को गुस्से के साथ घूरते हुए कहती है, कुछ हफ्तों पहले जब तुम मुझसे मिलने आए थे, तुमने ही तो मुझे बताया था ना कि उसी झरने के नीचे यामिनी का शरीर उस काले पोशाक वाले आदमी ने छुपाया था, जिसे ढूंढने के लिए युग उस झरने में कूद गया था और वो मरते मरते बचा था। कायर अपने दिमाग पर जोर देने लग जाता है, पर उसे इस बारे में कुछ याद नहीं आता है। कायर खुद से बड़बड़ाते हुए मुंह बनाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें ये सब बताया था, पर कब? मुझे इस बारे में कुछ याद क्यों नहीं? बिंदु कायर पर चिढ़ते हुए कहती है, क्योंकि तुम एक नंबर के भुलक्कड़ हो चुके हो कायर, इसलिए तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहता। मुझे तो लगता है तुम्हें ये भी याद नहीं है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। कायर अपने दिमाग पर जोर देने लग जाता है, इस बारे में याद करने की बहुत कोशिश करता है, पर उसे कुछ याद ही नहीं आता है। कायर इस बारे में कुछ याद कर पाता उससे पहले बिंदु झट से बात को पलटते हुए कहती है, अब तुम सब यहीं पर खड़े रहोगे कि यहाँ से चलोगे भी? हमें भी उस झरने के पास जाना चाहिए ताकि हम भी सुरक्षित रह सके। हमारा यहाँ पर ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। अमोदिता बिंदु की बात से सहमत होते हुए कहती है, बिंदु सही कह रही है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए इससे पहले कि और मुर्दे यहाँ पर आए। रजनी डरते हुए कहती है, क्या कहा, और मुर्दे? अमोदिता रजनी से कहती है, हाँ माँ, और मुर्दे। मुझे तो लगता है ये सब बस उस काले साए की सेना की एक छोटी सी टुकड़ी थी जो हमारे पीछे आ रही थी, और पता नहीं उसने कितनी बड़ी सेना बनाकर रखी होगी। वर्चस्विनी को भी तारा की फिक्र सताने लग जाती है, कहीं उस काले साए की बाकी की सेना मेरी बेटी तारा के पीछे न लग गई हो। जल्दी चलो यहाँ से, मुझे मेरी बेटी तारा के पास जाना है। कछुआ वर्चस्विनी की बात में हामी भरते हुए कहता है, तुम घबराओ मत वर्चु, तारा ठीक होगी, हम बस अभी निकल रहे हैं यहाँ से, चलो। कछुआ और वर्चस्विनी अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाते हैं, उनके कदम बढ़ाते ही बाकी सब भी उनके पीछे जाने लग जाते हैं। अभी कायर ने भी 3-4 कदम अपने आगे बढ़ाए ही थे कि तभी उसे कुछ याद आता है, जिसके कारण उसके कदम अपने आप थम जाते हैं। उसे याद आता है कि उन्होंने अभी करीब 40-50 मुर्दों को हरा दिया था, पर उनमें कहीं भी उसे प्रशांत नजर नहीं आया था, बल्कि तारा के सपने में तो उस काले साए ने प्रशांत को भी जिंदा किया था। कायर मन ही मन सोचने लगता है, ये प्रशांत अंकल क्यों नहीं दिखे मुझे? अगर उस काले साए ने उन्हें भी जिंदा किया है तो फिर वो कहां गए? यहाँ पर हमसे लड़ने के लिए क्यों नहीं आए, बल्कि बाकी सब आ गए थे? काले साए ने उनके साथ क्या किया? कायर जमीन पर धराशायी पड़े मुर्दों के चेहरे बड़े गौर से देखने लग जाता है और उनमें प्रशांत को ढूंढने लग जाता है। कायर बड़ी ही धीमी रफ्तार के साथ अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। वो हर एक मुर्दे का चेहरा देखते जा रहा था और आगे बढ़ते जा रहा था। बिंदु झट से ये बात नोटिस कर लेती है और कायर से पूछ पड़ती है, तुम कुछ ढूंढ रहे हो कायर? कायर मन ही मन सोचने लग जाता है, मैं क्या करूं, बिंदु को प्रशांत अंकल के बारे में बताऊं या नहीं? अगले पल फैसला लेते हुए कायर फिर मन ही मन खुद से बोलने लग जाता है, नहीं नहीं, मैं अभी बिंदु को ये बात नहीं बता सकता, वरना वो भावुक हो जाएगी और प्रशांत अंकल को ढूंढने का बोलने लग जाएगी। हो सकता है वो मेरे साथ उस दैवीय झरने के पास भी नहीं चलेगी, यहीं पर रुकने की जिद करे। मैं उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। अब उसका भी यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि उन मुर्दों को पता चल गया है कि बिंदु हमारी तरफ है, तभी तो वो मुर्दे बिंदु पर भी हमला कर रहे थे। कायर ये सब मन में सोच ही रहा था कि तभी उसे बिंदु टोकते हुए कहती है, कायर मूर्ति बनकर क्यों खड़े हुए हो? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, मुझे जवाब दो, तुम कुछ ढूंढ रहे हो क्या? कायर तुरंत ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं ढूंढ रहा हूँ बिंदु। बिंदु अगले पल पूछ पड़ती है, फिर नीचे क्या ढूंढ रहे हो? कायर बड़ी चालाकी के साथ जवाब देता है, कुछ नहीं ढूंढ रहा हूँ बिंदु, बल्कि मैं तो संभल कर चल रहा हूँ। बिंदु मुंह बनाते हुए कहती है, संभल कर चल रहे हो, पर क्यों? कायर झट से बोल पड़ता है, इन मुर्दों के कारण,
मुझे डर है कि कहीं ये मुर्दे हमारे पैर पकड़कर हमें कुछ कर ना दें। ये अभी तक मरे थोड़ी हैं। मैं तो कहता हूँ तुम भी संभल कर चलो, देखकर अपने कदम रखो। बिंदु के पलटकर कुछ कहने से पहले ही कायर अपने कदम धड़ाधड़ आगे बढ़ाने लग जाता है। बिंदु को कुछ कहने का मौका ही नहीं देता है। उसकी हरकतों से साफ समझ आ रहा था कि वो बिंदु के सवालों से बचने की कोशिश कर रहा था। अगले ही पल बिंदु भी आगे बढ़ने लग जाती है। वो सब भी दैवीय झरने के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। इस तरफ किश्नोई नदी के अंदर योग यामिनी का हाथ पकड़े हुए था, तो अभिमन्यु डायना का हाथ पकड़े हुए था। चारों ही धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए किश्नोई नदी पार कर रहे थे। उन चारों के चेहरे पर अब डर का दूर दूर तक नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। उन्हें डर लगता भी कैसे, जहां प्यार का साथ होता है वहां पर डर अपने आप खत्म हो जाता है। वो चारों एक दूसरे के हाथ के स्पर्श के एहसास को महसूस करते हुए अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहे थे। उन चारों ने भले ही एक दूसरे का हाथ थामा हुआ था, पर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अपने हाथ में सारी दुनिया थामी हो। उन चारों ने आधे से ज्यादा नदी पार कर ली थी, अब बस थोड़ी बची हुई थी जो कुछ ही देर में खत्म होने वाली थी। काली बारिश अभी भी हो रही थी जिसमें वो लोग लगातार भीगे जा रहे थे। उस बारिश से बचने का इस वक्त उनके पास कोई साधन उपलब्ध नहीं था। अंधेरे में युग की आंखें हल्की हल्की पीले रंग की चमकने लग गई थी, पर इस वक्त उसकी आंखों पर किसी का भी ध्यान नहीं था। वो चारों एक साथ नदी पार कर ही रहे थे कि तभी अचानक से नदी में पानी का स्तर बढ़ने लग जाता है। देखते ही देखते नदी का पानी का स्तर डायना के घुटनों तक आ जाता है। वो हड़बड़ाहट के साथ तुरंत बोल पड़ती है, ये पानी अचानक से इतना बढ़ने कैसे लग गया? अभिमन्यु भी पानी को देखते हुए कहता है, लगता है उस काले साये ने अपना जाल रचना शुरू कर दिया है, हमें जल्दी नदी पार करनी होगी। अभिमन्यु के ये बात बोलते ही वो और तेजी के साथ नदी पार करने लग जाते हैं, जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाने लग जाते हैं। अब वो लोग नदी के दूसरे किनारे से बस 5-6 कदम की दूरी पर थे, लेकिन देखते ही देखते पानी का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि यामिनी और डायना की गर्दन तक आ गया था। युग कसकर चीखते हुए कहता है, मेरा हाथ पकड़े रखना यामिनी, छोड़ना मत। यामिनी कहती है, हाँ युग बाबू, मैं नहीं छोड़ूंगी आपका हाथ। नदी का बहाव भी तेज हो गया था जिस कारण उन चारों को नदी के तल पर पैर जमाने में काफी मुश्किल हो रही थी, पर जैसे तैसे करके वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। डायना का बैलेंस बिगड़ने लग जाता है और वो नदी में गिरने लग जाती है। डायना नदी में पूरी तरह डूबती है, उससे पहले ही अभिमन्यु उसे दोनों हाथों से थाम लेता है। डायना उसकी बाहों में आ जाती है। अभिमन्यु डायना को अपनी गोद में उठाते हुए नदी पार कराने लग जाता है। डायना प्यार भरी नजरों के साथ अभिमन्यु की आंखों में देखती रहती है। यही तो वो पल था जो वो कब से चाहती थी कि अभिमन्यु उसके करीब आए, और आज नियति खुद अभिमन्यु को उसके करीब ला रही थी। हमारी प्रेम कहानी हम नहीं बनाते बल्कि नियति बनाती है, और आज अभिमन्यु और डायना की प्रेम कहानी भी नियति ही बना रही थी, उनके प्यार को और ज्यादा गहरा कर रही थी। देखते ही देखते वो चारों नदी पार कर लेते हैं। जैसे ही अभिमन्यु डायना को लेकर बंगलामुड़ा घाट पर पहुंचता है, वो डायना को अपनी गोद में से नीचे उतार देता है। नीचे उतारने के बाद भी अभिमन्यु ने डायना का हाथ पकड़कर ही रखा हुआ था, जैसे उसे भी डायना का हाथ पकड़ना अच्छा लग रहा हो, वो उसका हाथ कभी नहीं छोड़ने वाला हो, इसी तरह पकड़ कर रखने वाला हो। युग लंबी आहें भरते हुए कहता है, नदी तो पार हो गई, अब बस जल्द से जल्द उस झरने के पास पहुंचना है जिसके लिए ये काला झाड़ी जंगल पार करना होगा। वहीं पर वो अपराजिता का पेड़ है जिसके पास दैवीय झरना है। युग के ये बात कहते ही सब काला झाड़ी जंगल की तरफ देखने लग जाते हैं जो ठीक उनके सामने ही था, उनके 20 कदम की दूरी पर। सब लोग उस तरफ देख ही रहे थे कि तभी काला झाड़ी जंगल की झाड़ियों में एक हिस्से में हलचल होने लग जाती है। यामिनी उस तरफ सबका ध्यान आकर्षित करते हुए कहती है, वो वहां पर देखो जरा, ऐसा लग रहा है जैसे वहां पर कुछ है। इतना कहकर यामिनी अपने हाथ से उस तरफ इशारा करने लग जाती है, बाकी सब भी उस तरफ देखने लग जाते हैं। देखते ही देखते हलचल और ज्यादा बढ़ गई थी। उस तरफ देखने से ये बात तो साफ पता चल रही थी कि झाड़ियां कोई हवा के झोंके से नहीं हिल रही थी, क्योंकि सिर्फ बीच की झाड़ियों के हिस्से में ही हलचल हो रही थी, बाकी की झाड़ियां स्थिर खड़ी हुई थी। अभिमन्यु उस तरफ गौर से देखते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे वहां से कोई आ रहा है। युग हैरानी के साथ कहता है, कोई आ रहा है पर कौन? डायना एक लंबी आह भरते हुए जवाब देती है, कहीं वो काला साया तो नहीं? डायना की ये बात कहते ही सबको सांप सूंघ जाता है। उन चारों में से कोई कुछ नहीं कहता है, चारों ही एकटक नजर से उस तरफ देखने लग जाते हैं। झाड़ियां और तेजी के साथ हिलने लग जाती है, जैसे पीछे साइड से कोई उन्हें हटा रहा हो आगे आने के लिए। वो चारों झाड़ियों की तरफ देख ही रहे थे कि तभी उन झाड़ियों में से कोई शख्स बाहर आने लग जाता है।
एक परछाई नजर आने लग जाती है। उस परछाई को देखकर वो लोग इतना तो समझ ही जाते हैं कि वो काला साया नहीं था, क्योंकि उस शख्स की चाल से समझ आ रहा था कि वो कोई लड़की थी जो तेजी के साथ उनकी तरफ अपने कदम बढ़ा रही थी। झाड़ियों की तरफ अंधेरा कुछ ज्यादा ही था, जिस कारण उस लड़की का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, पर उसके काली बारिश में भीगे बदन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुर्ती पहने हुए हो। उसका दुपट्टा नीचे जमीन को टच हो रहा था। युग, यामिनी, डायना और अभिमन्यु चारों उसी पर नजर जमाए हुए थे। उनके समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात में काला झाड़ी जंगल से कौन लड़की निकल रही थी और क्यों। जब वो लड़की अपने कदम कुछ और आगे बढ़ाती है तो वो उजाले में आने लग जाती है, उसका चेहरा नजर आने लग जाता है। जैसे उस लड़की की नजर युग, यामिनी, डायना और अभिमन्यु पर पड़ती है, वो जहां पर थी वहीं रुक जाती है और एकटक नजर से अभिमन्यु को देखने लग जाती है। उस लड़की का पहनावा बड़ा ही अजीब था। उसने लाल रंग का सूट पहना हुआ था। उसके माथे के बीचों बीच बिंदी की जगह छोटा सा काले रंग से डमरू का चिन्ह बना हुआ था। उसके कानों में डमरू वाले ही झुमके थे, साथ ही सीधे हाथ की कलाई पर डमरू वाला टैटू भी बना हुआ था। जब अभिमन्यु की नजर उस लड़की पर पड़ती है तो अभिमन्यु भी शॉक्ड हो जाता है, ठीक उसी तरह जिस तरह वो लड़की हुई थी। अभिमन्यु और वो लड़की दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। उसी वक्त अभिमन्यु डायना का हाथ छोड़ देता है, जैसे वो किसी चीज से घबरा गया। डायना अभिमन्यु को देखते हुए मन में सोचती है, ये अभी को क्या हुआ, इस लड़की को देखते इसने मेरा हाथ क्यों छोड़ दिया। डायना इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी वो लड़की अभिमन्यु को देखकर कसकर चीख पड़ती है, अभी सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।